Hello kids, welcome to your SST class. How are all you today? I hope that you all are doing good. Are you excited to learn a new chapter of your new book? So, I am also excited. So, welcome back to your SST class students, where we are going to study a new chapter of your book, that is Jelly Bean Journeys in Social Studies by Brainroot Publications. Aaj hum चैप्टर नंबर टू पढ़ेंगे, ठीक है? आज हम अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ेंगे. द चैप्टर नंबर टू इज अर्थ सरफेस. हमने थोड़ा बहुत अर्थ के सरफेस के बारे में पढ़ा था, याद है? क्रस्ट, अर्थ का क्रस्ट जो कि काफ़ी रॉकी रहता है, काफ़ी हार्ड रहता है. आज हम अर्थ सरफेस के बारे में और ज़्यादा जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी. लेट्स बिगिन. Before we start the chapter, let's quickly see kya kya hum seekhenge aaj. Today we will know about Meglen's journey. Meglen kaun the aur unki journey kaisi thi? How do we study earth? Earth ke bare mein hum kaise padhte hain? Aur saath hi mein hum padhenge natural features and different landforms that are available on the earth. But before we start, let's do a quick activity. Help Ravi to find the way across the earth to meet his friend. See, this is a puzzle. आपको रवि को help करना है ताकि वो अपने friend के पास जा सके. तो ये आप activity खुद करेंगे. Alright, this you have to do on your own. You will start from here and then you can go this way, like this and आपको देखना है फिर कि क्या डायरेक्शन लिया जा सके. सो यू विल स्टार्ट लाइक दिस, ठीक है? आप इस पजल को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या रवि अपने फ्रेंड तक पहुंच पाता है या नहीं. सो आई हैव जस्ट स्टार्टेड. यू विल डू दिस एक्टिविटी ऑन योर ओन. ऑलराइट चिल्ड्रन, सो लेट्स गेट हेयर. आप यहाँ से भी जा सकते हैं, एक आसान सा रास्ता है, राइट? So you have to see कि आप कहाँ से जाएंगे. You can try out on your own. Now let's begin the chapter. Most of the earth's surface is covered with water. हमने last chapter में पढ़ा था कि earth land और water से बना हुआ है और ज़्यादातर area जो है earth का वो water से भरा हुआ है, right? The earth is only planet known to support life. और earth ही एक ऐसा planet है जहाँ पे जीवन possible है, यानी जहाँ जीवन पनप सकता है, जीव जंतु जी सकते हैं. लेट अस लर्न अबाउट व्हाट द अर्थ इज मेड ऑफ एंड वेयर इट केम फ्रॉम. आज हम पढ़ेंगे कि अर्थ किन चीज़ों से बना है और कहाँ से आया है. उससे पहले हम मेगलन की जर्नी के बारे में पढ़ते हैं. इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज टू बिलीव दैट अर्थ वॉज फ्लैट. पहले लोगों का क्या मानना था कि अर्थ जो है राउंड नहीं है, अर्थ बिल्कुल फ्लैट है. ऑल राइट, दे फियर्ड दैट दे वुड फॉल ऑफ द अर्थ्स एज इफ दे ट्रैवल टू फार. और लोगों को डर लगता था अगर वो बहुत दूर तक यात्रा पे निकल गए तो कहीं वो अर्थ के किनारे पे ना आ जाएं और गिर ना जाएं. इसीलिए लोग ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करते थे. अबाउट 500 ईयर्स अगो, यानी 500 साल पहले, देयर वॉज अ पोर्टुगीज सेलर नेम्ड फर्डिनेंड मेगलन. दिस इज द पिक्चर ऑफ फर्डिनेंड मेगलन. एक पोर्टुगीज सेलर थे, ठीक है? वो सेल करते थे, वो दूसरी दूसरी जगहों पे नाव के थ्रू जाते थे, अपनी शिप और नाव लेके जाते थे. सो फर्डिनेंड मेगलन ही स्टार्टेड अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम स्पेन एंड केप्ट सेलिंग फॉर मैनी डेज. उन्होंने स्पेन से अपनी जर्नी शुरू की और कई दिनों तक जो है यात्रा करते रहे करते रहे करते रहे. द वॉयज वॉज लॉन्ग एंड डेंजरस. वॉयज का मतलब जर्नी ऑन वाटर. जब हम पानी के रास्ते से किसी लंबी यात्रा पे निकलते हैं उसे हम वॉयज बोलते हैं. तो ये जो यात्रा वो कर रहे थे ये काफ़ी लंबी और काफ़ी खतरनाक थी. आफ्टर मैनी ईयर्स दिस शिप रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड विदाउट फॉलिंग ऑफ द एज. यानी कई सालों तक मेगलन जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे. फाइनली बहुत सालों के बाद
उनका जो शिप था वो वापस उसी जगह पे आ गया जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और जब वो अपनी जगह पे वापस आकर पहुँचे तब उन्होंने कॉन्क्लूड किया, यानी तब उन्होंने बताया कि इसका मतलब अर्थ जो है फ्लैट नहीं है, हम कितनी भी लंबी जर्नी कर ले हमें गिरने का कोई डर नहीं है। इसका मतलब अर्थ क्या है, गोल है। क्यों? क्योंकि हम जहाँ से शुरू करते हैं यात्रा वहीं पे वापस आकर रुक जाते हैं। लेटर एस्ट्रोनॉट स्टार्टेड गोइंग टू स्पेस एंड कन्फर्म दैट अर्थ इज राउंड। कई सालों बाद जब एक्चुअली एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट स्पेस में जाने लगे तब उन्होंने ये कन्फर्म किया कि मैगलन की थ्योरी बिल्कुल सही थी, अर्थ सच में ही राउंड इन शेप है। हाउ डू वी स्टडी अर्थ, हमें अर्थ के बारे में अगर पढ़ना है या जानना है तो कैसे पढ़ें? अर्थ तो बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, उसके बारे में जानने के लिए क्या किया जाए? द अर्थ इज ह्यूज इन साइज, ह्यूज का मतलब होता है बिग। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द अर्थ एट वन टाइम, अर्थ को एक समय पे पूरी तरह से देखना पॉसिबल नहीं है। टू लर्न एंड स्टडी अबाउट द अर्थ अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ वॉज मेड, अर्थ के बारे में जानने के लिए अर्थ को अच्छे से स्टडी करने के लिए अर्थ का एक छोटा सा रेप्लिका यानी छोटा सा मॉडल बनाया गया। यूरी गागारिन वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल इन स्पेस, है ना, ये एक नया जनरल नॉलेज है आप लोगों के लिए कि यूरी गागारिन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रैवल इन स्पेस, स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अब ये जो स्मॉल मॉडल है अर्थ का इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब। तो आइए ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं। द मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, इट इज शेप्ड लाइक अ बॉल, आप देख सकते हो बच्चों एक बॉल की तरह है। इट शोज डिफरेंट सिटीज कंट्रीज माउंटेन्स रिवर्स एंड अदर थिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ पे जितनी भी सिटीज हैं माउंटेन्स हैं रिवर्स हैं अलग अलग तरह की जो लैंड फॉर्म्स है वो सभी आप ग्लोब पर देख सकते हो। ऑल राइट, द ग्लोब इज यूजुअली माउंटेड ऑन अ स्टैंड, ग्लोब को यूजुअली एक स्टैंड पर खड़ा किया जाता है। ऑल राइट, अ मेटल रॉड पासिस थ्रू इट्स सेंटर, इसके सेंटर से जो है एक मेटल रॉड पास किया जाता है। ये जो स्टैंड है ना इसके सेंटर से हमेशा मतलब इस बॉल के अंदर से एक मेटल रॉड, ये तो अभी अंदर है इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रही है, एक मेटल रॉड हमेशा रहती है। वी कैन टर्न द ग्लोब ईजिली अराउंड दिस रॉड, और इस रॉड के आसपास हम अर्थ को यानी ग्लोब को ईजिली घुमा के अर्थ को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ऑल राइट, इसके अलावा अर्थ को स्टडी करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, वो है मैप्स। अब ग्लोब तो काफ़ी बड़ा होता है, अर्थ तो बहुत बड़ा है, ग्लोब उसका छोटा सा मॉडल है, लेकिन क्या हम ग्लोब को हर जगह लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते, ग्लोब पॉकेट में नहीं आ सकता, ग्लोब कई बार भारी भी होता है, अगर यहाँ से वहाँ ले जाने में ग्लोब टूट गया तो नुकसान हो जाएगा। राइट, सो इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि इसको फर्दर बेहतर बनाया जाए या फर्दर मॉडिफाई किया जाए। क्या मॉडिफिकेशन किया गया? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी डिटेल्स ऑफ एवरी कंट्री ऑन ग्लोब, ग्लोब में हर कंट्री की आप डिटेल्स नहीं देख सकते। टू सी द डिटेल्स वी यूज़ मैप, कंट्रीज़ की डिटेल्स को देखने के लिए हम मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। अ मैप इज़ अ ड्रॉइंग ऑफ होल और अ पार्ट ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस, यानी या तो पूरे अर्थ का ड्रॉइंग होगा या फिर अर्थ के छोटे छोटे हिस्सों का ड्रॉइंग जो है जब हम उसे पेज पे बनाते हैं उसको हम मैप बोलते हैं। अब बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस, एक ऐसी बुक जिसमें बहुत तरह तरह के मैप्स होंगे, अलग अलग तरह के मैप्स होंगे, उसको हम एटलस बोलते हैं। ओके, मैप्स आर ऑफ मेनी काइंड्स, तरह तरह के मैप होते हैं, काइंड स्मॉल मैप्स कैन बी पेस्टेड इन द बुक्स, छोटे मैप्स जो आते हैं उनको आप आराम से अपनी कॉपी या बुक्स में पेस्ट कर सकते हैं और फोल्ड करके पॉकेट में भी रख सकते हैं, जो कि ग्लोब के साथ नहीं हो सकता। समटाइम्स वी यूज़ लार्ज साइज मैप्स एंड हैंग देम ऑन वॉल्स, दीज आर कॉल्ड वॉल मैप्स, आपने अपने स्कूल में देखा होगा बच्चों
कई बार क्या होता है, हम बड़े बड़े मैप्स लाकर उन्हें वॉल्स पे लगा देते हैं। स्कूल में भी आपने देखा होगा ऐसे मैप्स जो कि हम बड़े साइज़ के बनवाते हैं और वॉल्स पे स्टिक करते हैं, उन्हें हम वॉल मैप्स बोलते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फर्दर। लेट्स स्टडी अबाउट द नेचुरल फीचर्स एंड लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ। अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल फीचर्स और लैंडफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ते हैं। द सर्फेस ऑफ लैंड इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। हर जगह अर्थ बिल्कुल सेम नहीं है। कहीं पे ऊंची है, कहीं पे नीची है, कहीं पे स्मूथ है, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ है ना। द हाई लैंड एंड द लो लैंड्स फॉर्म द नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन। मतलब जिस तरीके से ऊंचे या नीचे हैं उनके बेसिस पे हम उन्हें अलग अलग नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चार मेजर क्लासिफिकेशंस जो हैं वो क्या क्या हैं, वो हैं आपके माउंटेन्स यानी पहाड़, फिर हिल्स, देन प्लेटूज एंड प्लेन्स। ये चार मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स। The large areas of land on earth are continents and water bodies are called oceans. जो बड़े बड़े areas हैं, land masses जो हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे continents। और बाकी के जो समुद्री area है, जो पानी से गिरा हुआ है, वो हैं oceans। ठीक है, आइए पहले oceans के बारे में पढ़ते हैं। Oceans are large bodies of water on earth, यानी पानी का बहुत सारा amount जहाँ जहाँ पे इकट्ठा हुआ है वहाँ पे समुंदर बन गए हैं, महासागर बन गए हैं, इन्हें हम ocean बोलते हैं। These oceans have salty water, इनमें जो है पानी खारा होता है, यानी इस पानी में नमक होता है। The Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Antarctic Ocean आर द फाइव ओशंस ऑफ अर्थ। अर्थ पे पांच ओशंस हैं। कौन कौन सी ओशंस हैं? पैसिफिक ओशन, फिर एटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड एंटार्कटिक ओशन। ऑलराइट, अब हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। अभी अभी आपको बताया था कि जो बड़े बड़े लैंड मास हैं, लैंड के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। The large areas of land on Earth's surface are known as continents. There are variety of landforms in each of these continents. अब कौन कौन से continents हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। सात, सेवन continents हैं। ठीक है, कितने continents हैं? सेवन continents। ओके, सो This is a world map, children. ये एक world map है। और देखिए आप, हमने अभी अभी जो हमने continents और oceans के बारे में पढ़ा है, can you see? This is South America, North America, Europe, Africa, Asia, Australia. Okay? These are the seven continents. And along with the seven continents, there is one more thing, that is oceans. 1, 2, 3, 4 and 5 आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो पांचों ओशंस हैं और सातों कॉन्टिनेंट्स हैं। आई होप चिल्ड्रन दैट यू हैव सीन द मैप केयरफुली। आपने अच्छे से मैप को देख लिया है और अब आपको समझ में आ गया है कि आप देख सकते हैं अर्थ का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो किससे कवर्ड है, पानी से कवर्ड है। और सिर्फ थोड़ा बहुत ये जो वाइट कलर के हैं, यही एरियाज जो हैं लैंड मासेस हैं, यानी इन एरियाज में लैंड्स हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट टर्म्स वी केम अक्रॉस इन दिस चैप्टर। ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा, वेरी बिग। ग्लोब, ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। मैप, अ ड्राइंग ऑफ होल अर्थ, या फिर अर्थ के एक छोटे से हिस्से का ड्राइंग जब हम बनाते हैं किसी फ्लैट सरफेस पे, उसको हम मैप बोलते हैं। एटलस, एक ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे मैप्स हैं, यानी अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस। ओशंस, अ वेरी लार्ज सी, महासागर, ठीक है, उसको हम ओशन बोलते हैं। कॉन्टिनेंट, वन ऑफ द सेवन मेजर एरियाज ऑफ लैंड इन द वर्ल्ड। ओके,
नाउ लेट्स क्विकली लुक ओवर कि हमने क्या क्या पढ़ा. हमने पढ़ा ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ, अ मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ होल और अ पार्ट ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सर्फेस, एटलस इज अ स्पेशल बुक ऑफ मैप्स, द लार्ज लैंड मासेज ऑन अर्थ सर्फेस आर कॉन्टिनेंट्स एंड वाटर बॉडीज आर नोन एज ओशंस. The five main oceans are Pacific Ocean, Indian Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean and Antarctic Ocean. And the seven continents of the world are Asia, Africa, Australia, Antarctica, North America, South America and Europe. All right. So, I hope children, now you know what are continents, what are oceans, how different kinds of landforms of earth are there, earth ka surface kaisa hai, ye sab ab hum bata sakte hain. So now it's time to let's practice the exercises. Practice karke dekhte hain ki hame chapter kitna acche se samajh aaya. So let's get started. First exercise is choose the correct option. Sabse pehla jo hamara exercise hai wo hai choose the correct option. So let's begin. What is the shape of the earth? Triangle, rectangle, spherical या round? So earth जो है round in shape है. Second, Ferdinand Magellan set to sail from Russia, Australia, Spain, none of these. उन्होंने अपनी journey Spain से start की थी. So he set out journey from Spain. Third, the large areas of land on the earth's surface are known as continents. बड़े बड़े जो land masses है उसको हम continent बोलते हैं. Fourth, how many oceans are there? There are five oceans. Okay, there are five oceans. All right, children, let's move to the next exercise. See, certain other MCQs are also given. Fifth one, what is a book of map called? Jis book mein bahut sare maps rehte hain, usse hum kya bolte hain? Right, usko hum atlas bolte hain. So, D option is the correct option. Sixth one, what is the drawing of earth on a flat surface or paper called? It is called a map. Usko hum map bolte hain. So children, now let's move to next exercise, exercise number B, where we have to fill in the blanks. Hamein vakyo ko pura karna hai. A globe is a model of earth. Earth ka model hai. Very good. Next, a book of maps is called an atlas. थर्ड, डैश आर मैप्स दैट वी हैंग ऑन वॉल. वॉल पे जो हम मैप्स लटकाते हैं या हैंग करते हैं उनको हम वॉल मैप्स बोलते हैं. राइट. फोर्थ, द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड ऑन द अर्थ आर कॉन्टिनेंट्स. राइट. एंड द वॉटर बॉडीज आर नोन एज ओशंस. नेक्स्ट, dash 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 and dash are four major types of landform. So mountains, hills, plateaus and plains. Okay, mountain, hills, plateaus and plains, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे. अब हम आते हैं राइट व्हाट इज ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स पे आते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ग्लोब इज शेप्ड लाइक अ बॉल. यस इट इज. सो दिस इज ट्रू. मैप्स आर इजी टू कैरी. यस. सो दिस इज ट्रू. There are eight continents of the world. This is wrong. This is false. There are seven continents. Small maps can be hanged on walls. This is false. Large maps. बड़े maps को हम wall पे hang करते हैं. Fifth, a globe shows different cities, countries, etc. of earth. This is true. So children, we have done all the objective exercises. Now question answers are to be done by you. आप खुद करेंगे. ये सारे हम already fill in the blanks या true false के through discuss कर चुके हैं. Okay, so I hope that you have understood the exercises quite well and now you would be able to do these question and answers.
So with this, children, we wind up with today's session. I will meet you again soon with a new chapter of your book. So stay tuned for the upcoming video. Bye bye and take care.